अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हैदराबाद की फेमस हैदराबादी लाल चिकन की रेसिपी। और ये डिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स, और साथ ही में इजी भी बहुत होती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और आपको हैदराबाद के हर फंक्शन में ये डिश ज़रूर दिख जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इसके इन्ग्रीडियंट्स और कैसे बनता है हैदराबादी लाल चिकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हैदराबादी लाल चिकन बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसमें से सारा पानी मैंने फेंक दिया है, और मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है इसमें, तो एक चम्मच भरकर मैंने विनेगर डाला है। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने डाला है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी रेड चिली सॉस। तो फ्रेंड्स, मैंने 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस डाला है, और उसके बाद मैंने डाला है 3 टमाटर की प्यूरी, जिसको मैंने 4-5 हरी मिर्ची के साथ ऐसे प्यूरी बना लिया था। और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है दही, जो मैंने खट्टा दही यूज़ किया है, और साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर गरम मसाला। और उसके साथ ही मैंने 5 प्याज का इस तरीके से फ्राई करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन रख लिया था, और इसको भी मैंने डाल दिया है। और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसमें सोया सॉस, और अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर चिकन मसाला। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ताकि सारे मसाले जो है चिकन में अच्छे से हर तरफ चले जाएं। और उसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो फूड कलर इसलिए क्योंकि लाल चिकन है, तो फूड कलर तो जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से इसको फिर से मैं मिला लूँगी, ताकि फूड कलर भी चिकन में हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिकन को एकदम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया था, और अब मैंने इसमें डाला है 7 से 8 काजू फुला के मैंने रखा था, और उसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो उसको सबसे लास्ट में मैं डाल दूंगी इसमें, और उसके बाद मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि काजू का पेस्ट भी अच्छे से पूरे चिकन में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो गए थे, और अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल, और साथ ही मैं 1/2 चम्मच सरसों ऑयल डालूंगी, ताकि सरसों ऑयल का टेस्ट जो है चिकन में अच्छा आए। तो तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और थोड़ा करी पत्ता डालूंगी, और इसका जैसे ही चटक जाए सब, तो उसके बाद मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें पूरा डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने पूरा चिकन इसमें डाल दिया है, और इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और इस डिश की सबसे बड़ी खासियत ये है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, मतलब बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाला हैदराबादी लाल चिकन का टेस्ट भी आएगा, और टाइम बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो गए थे, और मैंने जो है चिकन में अब डाल दिया है हरी मिर्च, तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ऐसे बीच से कट कर दिया था, और साथ ही मैंने डाला है धनिया पत्ता, जिसको मैंने एकदम बारीक चॉप कर दिया था। और ये दोनों डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी, और फिर से मैं इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए थे, और देखिए चिकन का कलर एकदम अच्छा वाला आ रहा है, बिल्कुल लाल चिकन दिख रहा है ये, और ऑयल भी साइड्स में दिख रहा है, तो मतलब चिकन जो है ऑलमोस्ट पक ही गया है। और इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी काले मिर्च पाउडर, तो मैंने 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब आप इसको लास्ट में ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च ऐड करके इसे फिर से जो है अच्छे से मिला दिया है, और उसको बस अब 2 मिनट तक मैं और ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाऊंगी, ताकि जो चिकन थोड़ा बहुत और जो है बच गया है वो कंप्लीट हो जाए पक के। तो यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल चिकन रेडी हो गया है, और जो हमारा हैदराबादी लाल चिकन है वो परफेक्ट एकदम बन गया है, और साइड्स में ऑयल भी अच्छा दिख रहा है, देखिए मसाले का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है।
तो बस यहीं पर मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ और चिकन को अब मैं निकाल लेती हूँ किसी बाउल में। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल रख लिया है। और फ्रेंड्स, आप इस चिकन की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ज़रूर ट्राई कराइए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होती है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।